नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं विशाल ओबेला यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ ये आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ करियर इन फोटोग्राफी के बारे में। एक्चुअल में फोटोग्राफी में क्या हम सचमुच करियर बना सकते हैं या फिर नहीं, अगर बना सकते हैं तो यहाँ पे हम कितने पैसे कमा सकते हैं, इसका फ्यूचर में क्या स्कोप रहने वाला है, इसके कौन से कोर्सेस अवेलेबल है या फिर कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, या फिर फोटोग्राफी के कौन कौन से टाइप्स है जो हम जिसमें हम करियर बना सकते हैं, इन सारे सवालों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों YouTube पे एक बहुत बड़ा चैनल है संदीप माहेश्वरी। दोस्तों सब लगभग सब लोगों को पता होगा संदीप माहेश्वरी नाम का बहुत ही बड़ा चैनल है जो लोगों को बहुत अच्छी बातें समझाते हैं। मैंने उनका नाम इस वीडियो में इसलिए लिया क्योंकि वो लोगों को अच्छी बातें समझाते हैं, वो तब तक तो ठीक है, लेकिन उनका जो मेन बिजनेस है वो डिपेंड है उनकी फोटोग्राफी। दोस्तों उनको भी बचपन से फोटोग्राफी का बहुत बड़ा पैशन था, उनको भी फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा लगाव था। उन्होंने अपना करियर फोटोग्राफी में बनाया और आज इस मुकाम पे है वो कि उनका साल का टर्नओवर 10 या 12 करोड़ के पार भी जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फोटोग्राफी में भी बहुत सारे पैसे हैं। अभी मैं आपको जनरली फोटोग्राफी की बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों देखिए फोटोग्राफी के बहुत सारे टाइप्स है। कुछ टाइप ऐसे होते हैं जहां हम ओकेजनली फोटोग्राफ करते हैं, जैसे कि वेडिंग, बर्थडे वगैरह वगैरह। दूसरा टाइप ये होता है कि कुछ फोटोग्राफर्स वाइल्ड लाइफ होते हैं, यानी जो हम डिस्कवरी चैनल्स पे, नेशनल ज्योग्राफी या फिर एनिमल प्लैनेट चैनल पे जो वीडियोस, जो फोटोज देखते हैं, उन फोटोज को जो इंसान लेता है उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। और यहाँ पे तीसरा टाइप ये होता है कि मॉडल्स जो होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं उन्हें हायर करते हैं, उन्हें हायर करने के बाद उनसे फोटोशूट करवाते हैं और उस फोटोशूट को बेचते हैं, उससे भी लोग पैसे कमाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है फोटोग्राफी के, आपके हिसाब से या फिर आपके पैशन के हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आपको मैं अभी जनरली बता देता हूँ यहाँ पे क्या और कैसे पैसे कमाते हैं लोग। दोस्तों देखिए, सपोज आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स की कुछ लिंक दी हुई है। यहाँ पे उन्होंने 6 महीने या फिर 1 साल या फिर 2 साल तक की कोर्सेस अवेलेबल किए हुए, आपके पैसे के हिसाब से आप कितना टाइम दे सकते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अभी दूसरी बात ये आती है कि फोटोग्राफी तो हो गई, लेकिन यहाँ पे पैसे कैसे कमाते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत सारे वेज है जहां से आप फोटोग्राफी से पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला वे ये आता है दोस्तों, इंस्टाग्राम। दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप YouTube यूज कर रहे हैं, वैसे ही Instagram नाम का एक ऐप है। जैसे आप Facebook यूज करते हैं वैसे ही Instagram है, लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि Instagram पे आप फोटोज देखते हैं, यहाँ पे अभी वीडियोज भी आ रहे हैं लेकिन फोटोज आप मेजोरिटीली देखते हैं। या फिर फोटोज जो देखते हैं उन फोटोज के हिसाब से आपके अकाउंट पे फॉलोवर्स आते हैं। अगर आपके फोटोज अच्छे होंगे तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत अच्छे फॉलोवर्स आएंगे। उन अच्छे फॉलोअर आने से फायदा ये होगा कि आप आपकी यूट्यूब अकाउंट में, सॉरी आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट में आप यहाँ पे आपका प्रमोशन कर सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, कोई ब्रांड्स होते हैं जो ब्रांड्स अपनी प्रमोशन करना चाहते हैं, वो आपके पास डायरेक्ट आएंगे, आपको सिर्फ उनका प्रोडक्ट आपकी इमेज में दिखाना है या फिर आपके कुछ वीडियो में दिखाना है या कुछ कुछ भी होगा उस पोस्ट में दिखाना है आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के हिसाब से या फिर आपके अकाउंट की सीरियसनेस या फिर आपके अकाउंट के फॉलोअर के हिसाब से आपको वो ब्रांड्स ऑफर करेंगे या फिर आपको पैसे देंगे। ये तो बहुत बेसिक वे हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पे दूसरा वे ये आता है दोस्तों, यहाँ पे आप कर सकते हैं फोटोग्राफ सेलिंग वेबसाइट्स, जैसे देखिए जो shutterstock.com। यहाँ पे ये वेबसाइट क्या करती है, जो मॉडल्स होते हैं उन मॉडल्स को क्या करती है, हायर करती है। उन हायर करने के बाद, सपोज आपने मॉडल्स हायर किए, आपने उनसे फोटोग्राफ करने के बाद आपने shutterstock.com पे वहाँ पे वो फोटोज अपलोड कर दिए और उसके नीचे स्पेसिफिक प्राइस लिख दी। आपको होगा क्या, जो फोटो सेल कर रहा है यानी shutterstock.com, उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स है यानी बायर्स है। अगर वो फोटो आपके, उनके जो बायर्स है वो देख लेंगे और उनको लगा कि ये फोटो बहुत अच्छा है, मुझे ये लेना है, तब उनको स्पेसिफिकली कुछ फी पे करने लगेगी, कहीं पे $1, $2, $5 तक। उन फी के कुछ कमीशन काट के shutterstock.com उनका कुछ कमीशन काट के बाकी का पैसे आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये भी एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छा वे है जहाँ से आप फोटोग्राफी में करियर बना सकते हैं और आपके पैसे भी कमा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे तीसरा भी आता है, ये आता है कि यहाँ पे आप फोटोग्राफी एकेडमी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, वहाँ पे हम बॉलीवुड की बात करें या फिर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे दो तीन फोटोग्राफर्स ऐसे हैं दोस्तों जिनकी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पहचान है। वो लोग क्या करते हैं, फेमस होने के बाद क्या करते हैं, वो लोग एकेडमीज खोलते हैं, यानी बच्चों को फोटोग्राफी सिखाते हैं और उसकी फीस चार्ज करते हैं। और फीस चार्ज करने के बाद भी आप बहुत अच्छी फी बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको ये होगी कि आपको एक जगह की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो सब जो स्टूडेंट्स ही वही लाएंगे, यानी कैमराज वगैरह तो स्टूडेंट्स के रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको आपकी एकेडमी स्टार्ट करनी है और आपकी फोटोग्राफी में आपका करियर बहुत आगे जा सकता है। दोस्तों ये तो हो गया आज की वीडियो के बारे में। अगर आपके वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।